मैंने एक पैकेट लिया है 400 ग्राम का, देखिए, और इस शेप में लिया है। पतीली में मैंने पानी रख दिया है, जब ये उबलने लगेगा तो इसमें हम मैक्रोनी डाल देंगे। पानी हमारा उबल रहा है, अब हम इसमें ये मैक्रोनी डाल देंगे। थोड़ा सा मैं नमक डालूंगी। ये देखिए मैक्रोनी हमारी जो है पक रही है, उबल रही है। अब मैं इसको छान लूंगी। अब हम इसको छानने में छान लेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें ये ऑयल डालूंगी ताकि आपस में चिपके नहीं। ये मैंने सब्जियां ले ली हैं, एक बंद गोभी है, 3 हरी प्याज है और 1 शिमला मिर्च और 2 गाजर। इनको हम काट लेंगे। ये चिकन हमारी कट चुकी है, बोनलेस मैंने ये काट ली थी छोटे छोटे क्यूब्स में इस तरह से, ठीक है। सबसे पहले मैं वेजिटेबल्स को फ्राई कर लूंगी। नमक जाएगा इसमें, हल्दी जाएगा, किसी भी काली मिर्च का 1 चाय का चम्मच छोटा ही होगा, 1 चम्मच किसी भी लाल मिर्च का जाएगा, सोया सॉस हम डाल देंगे 1 से 2 खाने के चम्मच। अब इसमें चिली सॉस भी 1 से 2 खाने के चम्मच डाल दें। थोड़ा सा सेसा हम डाल देंगे, 1/2 चाय का चम्मच। थोड़ी देर के लिए हम इसको ढक देंगे ताकि चिकन गल जाए। चिकन हमारी पक चुकी है, अब हम इसमें मैक्रोनी डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब हम इसमें वेजिटेबल्स डाल देंगे सारी जो हमने फ्राई की थी, उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। 1 प्याली मैंने ये टोमेटो केचप जो है वो इसमें मैं डाल दूंगी, मिक्स कर लेंगे दोबारा। ये देखिए हमारी मैक्रोनी तैयार हो चुकी है।